आज मेहंदी लगाई और डिजाइन देखो करके आती है। ये आयु किचन में बैठा है, देखो तो ये आयु आज किचन में बैठा है, ये स्कूल नहीं जाना है इसको आज। आज ये बोल रहा है कि इसको पार नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही होगी आयु पार आज? आज आप लेट उठे ना, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है ना स्कूल जाने से पहले। कुछ कहना चाहते हो आज आप? हाँ पार अच्छी हगी करके आती है इसको पार। मम्मा से बोलता है, मम्मा आज हमने गोदी नहीं लिया, इसको गोदी लेना पड़ता है छुपे छुपे। अच्छा ये देखना, ये देखो अब आई पार, ये देखो आ गई पार। और अपना तू दिखाओ कितना हिल रहा है, दिखाओ तो, दिखा हिला के दिखाओ। देखो इसका इतना हिल रहा है और ये तोड़ने नहीं दे रहा है मम्मा को। अभी 7:30 हो गया और आई स्कूल जाने के लिए रेडी है ना। इसको आज जाने का मन नहीं है ना, क्योंकि आज मंडे है और सैटरडे को भी छुट्टी हो गई थी पीटीएम से, तो आज ये इसलिए सैड लग रहा है थोड़ा, लेकिन ये बहुत हैप्पीली जाता है इसको। चलो और मैं अभी आयु और कर रही नहीं, देखो मैं फटाफट से कलर कलर। मम्मा को मंदिर जाना है आज ना। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं आज सावन का तीसरा सोमवार है और मैं अभी रेडी हुई मंदिर जाने के लिए। चलो चलते हैं। बॉक्स को जो भगवान ले तो जाते हैं मंदिर, वहाँ पानी तो होता होगा बट फिर भी ले जाते। ओम नमः शिवाय। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, देखते हैं यहाँ शिव जी का मंदिर है कि नहीं। पहली बार ही आए हैं तो पता नहीं हमको, है तो सही कुछ तो है, मंदिर तो मंदिर ही है। तो चलो पार्क, अच्छा सब पार्क के बीच में एक मंदिर है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ और अच्छा लग। मंदिर आके एक अच्छी सी वाइब आती है। सो गई पूजा, चलो घर को चलते हैं। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't fall. Hello, what are you doing? Hello. ले लो एक। तो जैसा आपने देखा तीनों जा चुके हैं, अब मैं हूँ। आज मेरा व्रत है सोमवार का और तो अब मैं थोड़ा सा बनाना शेक पी रही हूँ और मेरा सारा काम आज हो गया है 9:30 बजे तक, क्योंकि मंदिर जाना था तो फटाफट किया। आज मैंने योगा एक्सरसाइज स्किप कर दी तो वो 1 घंटा जो था वो घर के काम में लग गया, वरना 10:30 तक होता है और आज 9:30 बजे हो गया। तो अब मैं फ्री हूँ। किसी भी मंदिर में जाओ बड़ा सुकून मिलता है, शांति बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो घर आने का मन नहीं होता है। अभी तो हम जल्दबाजी में थे, घर के पास ही है, बस पार्क के बीच में मंदिर है इसलिए गाड़ी में गए, वरना पैदल भी जा सकते हैं, पास में ही है। तो अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो हम लेट ही हो गया, सुबह करते करते भी लेट हो जाता है इसलिए बाइक में जाना पड़ा। आज शाम को यहीं कहीं पास में एक और शिव मंदिर है,
वहाँ शायद मेला लगा। ये तो मिक्स है मंदिर ना, सारी माता का भी मंदिर है और शिव जी का भी, शनिदेव का भी, तो वहाँ शायद वो शिव जी का ही होगा, तो वहाँ मेला लगा है। आज शाम को सोच रहे हैं बच्चों को लेके जाएंगे, वो फुल हो गया प्रोग्राम सही, बारिश नहीं हुई और ऑफिस से जल्दी आ गए, तो देखते हैं लेके जाएंगे। पर अच्छा लगता है मंदिर जाके, और मुझे तो फास्ट रख के बहुत अच्छा लगता है, मेरी बिंदी हमेशा टेढ़ी लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो, ये हाल चाल हरियान। अभी मैं ये बुक्स को रख रही हूँ, बच्चे ना पढ़ाई करते हैं पर बुक्स ऐसे फैला के नहीं है मेरी लड़की, आज से उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैंने सुबह सुबह कुछ नहीं बोला, तो अब मैं सोच रही हूँ तो रख देती हूँ। मुझे ना इधर उधर फैली चीजें पसंद नहीं है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, पानी क्यों अजीब सा होता है अंदर से, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ होती है, तो मैंने ये संभाल दिया है। अब मैं सोचू, वैसे आज मैंने सोचा था मैं पूरी दिन साड़ी पहनूंगी, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं साड़ी पहन के रख पाऊंगी, तो अब मैं सोचू साड़ी चेंज कर देती हूँ, गर्मी सी हो रही है। ब्लाउज एक तो ऐसे वाला है ना ही, तो इसमें अच्छा नहीं लग रहा, सूट पहन लेती हूँ, हरा ही सूट पहन लूँ आज, हरा भरा। अभी मैं दिखाती हूँ मेरे क्या हाल हो रखे हैं, मैंने एक पाठशाला का वीडियो बनाया उसके लिए, देखो कितना कमरा, बुक्स बुक्स ट्राईपॉड ये, और यहाँ के हाल देखो, ऐसे बनाया मैंने रिंग लाइट में लगा करके, और ये जुगाड़ किया है, और ये हाल है, मतलब पूरा वाइड व्यू दिखना, ये यहाँ से टेबल वहाँ पहुँच गई है, ये हो गया, ये फैल गया है, ये पूरा बुक्स फैली है, वो वहाँ पहला। एक वीडियो बनाने में ये हाल हो जाता, अब मैं थक गई हूँ, ऊपर से पंखा नहीं चलाना, आवाज़ नहीं आनी होती है, तो भाई तो बड़े हाल खराब हो जाते हैं इतनी गर्मी में। हाँ ऐसी बात है, अब इन बुक्स को रखती हूँ, थोड़ा समेटती हूँ, कितना टाइम हो गया, 11:56, 12 तो बजने वाला है, फिर बस खाना बनाने का टाइम हो जाता है। दीदी वाला रोल भी बहुत ही अच्छा पलिया कर लेती हूँ मैं ना, मेरी एक चैनल है यूट्यूब में हर डायरी टॉक्स, उसमें मैं ऐसे बोलती हूँ दीदी वाला मुँह, लोग इतना पसंद करते हैं ना, क्या बताऊँ, तुम लोग भी देखना रे, तुम तो देखते ही नहीं हो, तुम लोग तो कोई भी नहीं देखते हो मेरा, कुछ तो देखो, थोड़ा सब्सक्राइब करो है ना, थोड़ा फॉलो करो, क्या यार दोस्तों। मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही हंसती हूँ, कोई देखे ना देखे आई डोंट केयर, मैं अपना भैया पूरा टाइम सही करती हूँ, क्या करूँगी बताओ, है ना, ये वाले वीडियोस बनाए दीदी बुली, सब लोग फेसबुक में बहुत पसंद करते हैं। अब मैं इनको कलेक्ट करती हूँ, थोड़ी देर मम्मी से बात करती हूँ, तब तक बच्चे आ जाते हो गया 12:30, तो मेरा दूध का बिल आया है, यहाँ रखती हूँ, दिखता रहेगा तो पता चलेगा। तो बाकी तो दोस्तों कुछ व्रत होते हैं ना जिसमें तो हम शाम को ही खा सकते हैं कथा करने के बाद, जैसे वैभव लक्ष्मी का मैं रखती हूँ, तो वो शाम को ही मैं पूजा करने के बाद कथा करने के बाद खाती हूँ, लेकिन कुछ व्रत में हम ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जैसे सोमवार के आते मैं इनमें दिन में खा लेती हूँ, पता क्या होता है दिन में खाते इसलिए सही होता है ना, रात को आप हैवी खाते हो, मतलब रात हैवी हो ही जाते, जैसे वैभव लक्ष्मी में खीर बनाती हूँ, प्रसाद के रूप में खीर खाना ही पड़ता है, दो रोटी खाओगे सब्जी खाओगे तो हैवी हो जाता है, फिर ऐसी थकान होती है उसके बाद, तो मैं क्या करती हूँ ये वाले जो व्रत होते हैं और व्रत जिनमें हम खा सकते हैं, तो उसमें मैं दिन में खा लेती हूँ, तो शाम को चादर दूध पी लो या फिर मखाने वगैरह सेक लो, तो मैं आज वही करने वाली हूँ, मैं आज दिन में खा लूँगी और शाम को देखूँगी जो भी होगा कुछ खाऊंगी खाऊंगी। तो लहसुन प्याज तो कुछ खा नहीं सकते, तो मैं आज सोच रही हूँ मूँग की दाल बनाती हूँ, और ये सुबह मैंने नाश्ते में सब्जी बनाई थी उसकी है, क्या बोलते हैं इसको, ग्वारफली और वो काचरा राजस्थान में ही मिलती है, तो क्लस्टर बीन्स बोलते हैं, इसकी सब्जी मैंने बनाई है बच्चों के लिए, इसमें लहसुन प्याज डला है ना, और मैं अपने लिए मूंग की दाल बनाती हूँ और रोटी बना लूँगी, दाल रोटी सबसे सारी सब्जी। छिलके वाली मूंग है ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये छिलके वाली गाढ़ी नहीं बनती है ना, थोड़ा सा मैं धुली, थोड़ा सा, ये भी मूंग दाल ही है पर ये धुली हुई है,
तो इसको भी डाल देती तो अच्छी सी गाढ़ी बन जाती, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ डालना नहीं है। दाल धो ली है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो एक पानी डाल दिया है और अब इसमें घी डाल दूंगी बस। मम्मी से बात करने में पता नहीं चला बच्चे आ गए, आज मुझे पता चल गया पहले ऑर्डर कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता। हेलो हाँ बेबी, दूसरा बेबी कंदित अनु बस टच करने एक बार टच। Dash not allow us to go out to the boat yesterday because a strong wind. Did not allow. Was blue. देखो guys, he is using eyes. आप देखते थे? तभी nonsense हुए बेटा। फिर तू भी आज। आज मैं लेमन का मर्डर करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे है मेरा खाना, दाल और दो रोटी और मिर्च, हरी मिर्च, सैलेड है पर खीरा नहीं है आज, प्याज और टमाटर साथ ही काट लिया तो मेरे लायक नहीं है। तो आज सादा भोजन, सादा भोजन उच्च विचार। गर्मी ने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई और डिज़ाइन देखो और फिंगर्स पे मैंने लगाई, निकाल के देखती हूँ कलर। बहुत पुरानी मेहंदी थी ये, इनफैक्ट मैं ये पिथौरागढ़ भी ले गई कि मैं लगाऊंगी और वहाँ से भी वापस लाई और ये पड़ी थी और आज उसने लगाई। तो ये देखो निकाल के देख, छोटी हो गई। कितने का अलार्म लगाया था? कितने का अलार्म लगाया? जो देख कैसे मेहंदी लगाई यही लगाई थी तूने। हमने सोचा था अभी हम निकल पड़े हैं मेला देखने, मेला है या नहीं है वो भी कंफर्म नहीं है, कहाँ है वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। सब कुछ नया है अभी, मौसम कुछ ऐसा, बादल छाए। आई इधर आ, इनको बहुत पसंद ऐसा है। पापा यू शुड बी यूनिक ना, है भी या नहीं है कुछ पता नहीं है, खाली चले जा रहे मेला। तो अब बारिश स्टार्ट हो गई है, पता नहीं वहाँ पहुँचने तक क्या होता है, देखते हैं। यहाँ से ई रिक्शा लेते हैं, क्यों कहाँ से नहीं लगा ये रिक्शा? अरे क्यों बारिश हो गई है, बारिश getting cross drinking henny pour one on the rocks crazy but not like CeeLo take a foul shot and call it a free throw party foul help her out grab a towel but they cheered to the governor while the beer was a lover trust we ain't no amateur we got this to us for sure when a Sitting oh, no. by the wall and they're leaning Somewhere lying on the bed as a dreaming I've been feeling nothing lately when without you I know that something really special made me think about you
हम सब मेला घूम के झारखंड महादेव के अच्छे से दर्शन करके घर पहुंच गए हैं और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।